आप देखते होंगे बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर बिफोर एंड आफ्टर के इमेजेस होते हैं। इसी तरह कुछ ये जो हम इस सेगमेंट में बात करने जा रहे हैं उसका बिफोर एंड आफ्टर हम आपको दिखा सकते हैं, बस शायद मामला थोड़ा उलट हो यहाँ पर। जब इमरान खान साहब 126 दिन धरना दिया करते थे कंटेनर पे खड़े होके इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के बाहर, तो वो आपको समझाते थे कि ये बहुत सारी चीज़ें समझाते थे, कुछ चीज़ें हमें समझ भी आती थी, कुछ चीज़ें हमें याद भी हैं, लेकिन वो ये समझाते थे कि ये जो पीटीवी है ये आपके टैक्स के पैसों से चलता है, ये आपके बिलों में से पैसे निकलते हैं, ये आपका चैनल है, लिहाजा इसके ऊपर इसमें एक बैलेंस होना फ़र्ज़ है, इसकी पब्लिक ड्यूटी है कि वो आवाम को दिखाए कि आवाम के अंदर हो क्या रहा है और गवर्नमेंट का माउथपीस ना बने। किस तरह ये सब कुछ कहते थे, काफ़ी दफ़ा कहते थे, लेकिन एक दो दफ़ा किस तरह कहते थे आपको दिखाते हैं खान साहब क्या कहते। नतीजतन पीटीआई कहती थी, अपने मंशूर में कहती थी और बार बार उनके वज़रा कि हम इसको बीबीसी के तर्ज पे चलाएंगे, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के तर्ज पे, इंडिपेंडेंस होगी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे, ये आवाम के पैसों को एक अमानत के तौर पे रख कर चलाया जाएगा, ज़ाया नहीं किया जाएगा, आवाम को हम डिलीवरी देंगे और दर हकीकत और सच्चाई पर मबनी एक बैलेंस्ड व्यू जो है वो पूरी दुनिया के सामने रखेंगे पाकिस्तान की और पाकिस्तान के अंदर भी हालात हाजरा की। ये थे वादे। नईम बुखारी साहब जो कि इमरान खान साहब के ज़ाती वकील भी हैं रहे हैं, उनको चेयरमैन पीटीवी का ओहदा सौंपा गया है। उन्होंने इस हवाले से रिपोर्टर से जब बात की तो उन्होंने इन तासुरात का इजहार किया। बुखारी साहब, पहले तो ये फ़र्क नहीं करते कि स्टेट और हुकूमत के बीच में फ़र्क होता है। स्टेट रन पीटीवी अगर है तो हुकूमत के ऊपर फ़र्ज़ है वो सारी चीज़ें करना जो इमरान खान साहब हमें पढ़ाते थे कि स्टेट के लिए वो काम करे, हुकूमत के लिए काम ना करे। तो एक तो वो स्टेट और गवर्नमेंट को साथ जोड़ देते हैं और दूसरी बात जो बुखारी साहब शायद भूल जाते हैं, वो सियासी जमात और हुकूमत के बीच में भी फ़र्क होता है। लिहाजा हुकूमत के लिए भी नहीं, बल्कि अगर वो ये पोजीशन ले रहे हैं कि ऑपोजिशन की बात नहीं की जाएगी तो वो एक सियासी जमात की पोजीशन ले रहे हैं, हुकूमती पोजीशन भी नहीं ले रहे, जो कि गलत होती। वही साहब, शुरुआत में हमने देखा था फवाद चौधरी साहब बने थे मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री फॉर इंफॉर्मेशन की ज़रूरत भी क्या है क्या नहीं है। शेरी रहमान साहिबा जब मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन थी तो उन्होंने इस मिनिस्ट्री को रैप अप करने की, क्योंकि ये गैर ज़रूरी है और एक प्रोपेगेंडा पीस है और हुकूमत खामखाई में इसमें पैसे ज़ाया करती है, इन तमाम दलाइल लेके प्रेजेंटेशन दी थी। उस प्रेजेंटेशन को जिन सेक्रेटरीज के थ्रू दी थी उन्होंने ही सबसे पहले दफनाया। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन आज भी हमारे पास है और एक ताकतवर मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन फवाद चौधरी साहब सामने आए थे और एक मुतवाजन कवरेज का वादा करते हुए और बीबीसी की तर्ज की बात करते हुए, शुरुआत तो बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन कोई 2.5 साल लगे हैं और हम यहाँ खड़े हैं कि क्यों जी, कैसे, क्या, इट इज़ अ स्टेट रन चैनल, मतलब ये कि हुकूमत चलेगी, ऑपोजिशन को हम कोई एयर टाइम नहीं देंगे, तो हम इसके पैसे क्यों देते हैं। एक बहुत बड़ी वजह और वादा तहरीके इंसाफ की पावर में आने का और उनके वादे और उनके दलाइल जो थे वो इस बुनियाद पे थे कि वो इदारों को आज़ाद करेंगे, इदारों को फाल करेंगे, आज़ाद करेंगे और टेक्निकली जो काबिल लोग हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं या जो एक्सपर्ट हैं जिस फील्ड के, उनको उस जगह लगाया जाएगा और राइट मैन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम के तर्ज अमल से वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमने देखा कि चाहे वो उनका अकाउंटेबिलिटी का वादा हो या उनका जो है वो आज़ादी इजहार का वादा हो, तो दोनों जो है वो मसलहत का ही नहीं बल्कि एक तरह से उनकी सियासी जो एम्स हैं, जिनको नेफेरियस एम्स पीडीएम कहती है, उनके जो है वो नज़र हो चुका है अब। और अगर पीटीवी की हम बात करें जो कि एट फ्रंट एंड सेंटर खान साहब कहते थे जब वो खुद धरने कर रहे होते थे और पीटीवी बकौल उनके एक तरह से दिखाता था हकीकत, जबकि हकीकत बकौल उनके कुछ और थी, तो वहाँ पे पीटीवी के हेड को अपने एक इतने करीबी एसोसिएट को बनाना इन इट सेल्फ उनके सारे जो वादे हैं इदारों को आज़ाद करने के हवाले से उसकी नफ़ी में देखा जाएगा।